ఉత్తరప్రదేశ్ లో పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు భారీగా పెరిగాయి. పెట్రోల్ లీటర్ పై 2.35 రూపాయలు, డీజిల్ లీటర్ పై 98 పైసలు పెంచింది ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రభుత్వం. పెరిగిన ధరలు అర్ధరాత్రి నుంచి అమల్లోకి వచ్చాయి. పెట్రోల్ పై విలువ ఆధారిత పన్ను వ్యాట్ 26.8%, డీజిల్ పై 17.48% పెంచడంతో ధరలు పెరిగాయి. ధరల పెంపుపై ప్రజలు తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు. पेट्रोल की रेट कब कम हो जाए, कब बढ़ जाए, ये हम लोग समझ ही नहीं सकते. ये सब सिर्फ राजनीति होती है. उनका फायदा होता है तो कम हो जाते हैं, फिर उसके बाद बढ़ा दिया जाता है. खाली जनता परेशान हो रही है, बाकी कोई नहीं हो रहा. हाँ, बिल्कुल हटा सकते थे. आम जनता को बहुत दिक्कत हो रही है. पेट्रोल ऐसी चीज़ है जो सबको यूज़ होता है, रोज जाना आना होता है, तो इतना तो कर सकते थे. इसमें क्या कौन सा खजाना भरा जा रहा है. थोड़ी सुविधाएं तो सरकार को देनी ही चाहिए. तो इसमें देखिए, पब्लिक पे जो कस्टमर है उसी पे लोड पड़ेगा ऑटोमेटिकली. सीधे सीधे पब्लिक पे एक अलग से वर्डन आ गया. इस महंगाई तो वैसे भी है और इसमें अलग से वर्डन आ गया पब्लिक के ऊपर. भी था कि साल में 1.5 साल में एक बार बढ़ रहे हैं पैसे. अब तो हर दूसरे दिन गवर्नमेंट की जब होती है तब 2 रुपए 3 रुपए बढ़ा देती है, बाद में 50 पैसे कम कर देती है. बैट बढ़ा है अब तो यूपी में. अब तो देखिए क्या होता है. फिलहाल तो महंगाई बढ़ जाएगी. डीजल के पैसे बढ़ा दिए हैं. पेट्रोल वालों को तो खैर फर्क नहीं पड़ेगा. डीजल जो पैसे जो बढ़ाए हैं उससे महंगाई बढ़ जाएगी.